मंगलवार से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक हंगामे की आशंका है। ऐसे में पुलिस ने कमर कस ली है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए रिस्पना क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भारी वाहनों को कारगी चौक और डोईवाला से धूतली रोड की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जनता से भी ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही ड्रोन से भी ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। विधानसभा सत्र के तहत पिछले 4-5 दिन से यातायात पुलिस ने जोरों शोरों से तैयारी की है। पूरा क्षेत्र हमने ड्रोन द्वारा स्कैनिंग करके, सर्विलेंस करके रूट्स की जानकारी ली है। डाइवर्टेड रूट के लिए साइन बोर्ड छपवाए जा रहे हैं। इस बार चूंकि इंटेलिजेंस द्वारा भी बताया गया है कि जुलूस और विरोध प्रदर्शन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो आपके माध्यम से मैं आपको सबको सूचित करना भी चाह रहा हूँ। नेहरू कॉलोनी तिराहे से लेकर रिस्पना तक रोड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है शहर की, तो जो भी लोग इसको नेक्स्ट 5 दिन के लिए अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। आप अगर फवारा चौक के आसपास है तो 6 नंबर पुलिया होते हुए हरिद्वार का रूट ले सकते हैं, और बार बार से हमें शायद रिस्पना से बाईपास की तरफ डायवर्जन करना पड़ेगा जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसके लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के मामले में युवाओं में आक्रोश है। कांग्रेस ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई की मांग की गई। मंत्री पर कार्रवाई से बच रही है धामी सरकार। लगता है कि जिस तरीके से आज सरकार इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि हमने बिल्कुल निष्पक्ष होकर और नियम विरुद्ध जो भर्तियां की गई थी उसको निरस्त कर दिया है, कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने मंत्रियों को बचाने की भी उतनी कोशिश, दोहरा रवैया है कि अपने ही सरकार में कैबिनेट मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर उन बच्चों की कर्मचारियों को, अगर उनकी नियुक्तियों को निरस्त किया गया है, उनको उनके काम से हटाया गया है, तो उतनी ही गलती प्रेमचंद अग्रवाल जी की भी है जिन्होंने उनकी भर्ती की थी। जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं वो भी तो स्पष्ट रूप से आरोप इन्हीं के सरकार में लगाए जा रहे हैं, तो उनको भी, उन पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें UKD के भी जो लोग थे वो समर्थन देने पहुंचे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की सरकार से केवल एक सूत्रीय मांग है कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो सीएम आवास के बाहर वे प्रदर्शन करेंगे। उधर देहरादून में प्रशासन की लापरवाही से टैक्सी संचालक परेशान है। दरअसल टैक्सी संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। टैक्सी संचालकों को अपने पेमेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अधिकारी अभी और इंतजार करने का दिलासा दे रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में टैक्सी संचालकों से की टैक्सियों को लगाया गया था, जहां पर इन टैक्सियों का पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। अपने पैसे के लिए टैक्सी संचालक लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन टैक्सी चालकों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।